आज है 6 मार्च और 6 मार्च को हम देखेंगे कुछ उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, प्रसूति अवकाश और चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु संगत पत्र जात उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कुछ एक आदेश निकाला गया है, उसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर ये आदेश की कॉपी है, जो प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा नियुक्ति प्रेषक अनुभाग प्रयागराज, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और समस्त जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पे उपार्जित अवकाश की यदि बात की जाए तो इस संबंध में अनुमति आवेदन पत्र अवकाश लेखा सत्यापित तथा उच्च अधिकारी द्वारा किया गया अग्रसारण पत्र होना चाहिए और स्वीकृति आवेदन पत्र अवकाश लेखा हस्ताक्षरित तथा उच्च अधिकारी द्वारा किया गया अग्रसारण कारवार ग्रहण आदेश एवं कारमुक्ति आदेश, ये कागजात इसके साथ में होंगे। इसके बाद बात करें चिकित्सीय अवकाश की, तो इसमें आवेदन पत्र, चिकित्सीय अवकाश लेखा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल रूप में एवं कारभार ग्रहण आदेश 3 माह के भीतर का अवकाश मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित तथा 3 माह के उपरांत का अवकाश चिकित्सा परिषद से प्रमाणित। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बाल्य देखभाल की, यानी कि CCL लीव से संबंधित आवेदन पत्र होना चाहिए, पूर्व के विवरण सहित बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया अग्रसारण। इसके बाद में बात करें मातृत्व अवकाश यानी प्रसूति अवकाश के लिए, तो आवेदन पत्र प्रारूप पर होना चाहिए और चिकित्सीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अगर हम बात करें तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया मूल बिल वाउचर, स्वास्थ्य पत्रक की छाया प्रति और यदि सेवानिवृत्त हों तो बैंक पासबुक और PPO सहित। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर वाद प्रतीक्षा की बात करें तो ये संबंधित आदेश के साथ। तो ये चेकलिस्ट यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, इस चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित अवकाश के लिए संबंधित कागजात आपको पत्र जात लगाने होंगे। अब व्हाट्सएप की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये मानव संपदा तकनीकी अपडेट एक आया हुआ है और इसमें 2-3 पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों के मानव संपदा पासवर्ड खंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस लॉगिन से प्राप्त करके कर्मचारी की छुट्टियों को स्वीकृत, रिजेक्ट, फॉरवर्ड करने के चलते शासन को भेजी गई शिकायत के संदर्भ में लॉगिन करते समय OTP को मैंडेट किया गया ताकि किसी भी दशा में बिना कर्मचारी या अधिकारी के अनुमति के कोई भी छुट्टियों और गोपनीयता आख्या के डेटा से छेड़छाड़ की जा सके। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश जो उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड किए जाएंगे के लिए अवकाश को फॉरवर्ड करते समय 2 परिवर्तन किए गए हैं। अवकाश को फॉरवर्ड करते समय आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं मिलेगा, जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने चुन रखा होगा उन्हीं के लिए आपका अवकाश फॉरवर्ड होगा। ठीक उसी प्रकार अवकाश उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजते समय रिपोर्टिंग ऑफिसर परिवर्तन का विकल्प आपको नहीं मिलेगा, जिसके माध्यम से पूर्व में अवकाश स्वीकृत हुआ है उन्हीं के माध्यम से ज्वाइनिंग भी स्वीकृत की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और है इसमें वो ये है कि अतः प्रत्येक दशा में समस्त सहायक कर्मचारी अपने विद्यालय प्रभारी को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाकर रखेंगे एवं समस्त विद्यालय प्रभारी प्रत्येक दशा में खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाकर रखेंगे एवं खंड शिक्षा अधिकारी का अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बेसिक शिक्षा अधिकारी को सिलेक्ट करके रखेंगे। तो इसी प्रक्रिया के तहत ये कार्य किया जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट थे जो हमने आप तक पहुँचाए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, यदि उपयोगी लगी है तो इसे अन्य साथियों में भी शेयर जरूर करें।